हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ दिखाऊंगी येलो पुलाव एंड चिकन कोरमा रेसिपी। फ्रिज में कुछ था नहीं बनाने को, सब्जी वगैरह थोड़े से चिकन पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चिकन कोरमा बनाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करके निकाल लूँगी। उसके बाद खड़े मसाले डाल के यहाँ पर मैंने डाल दिए चिकन के पीसेस, जो ज़्यादा नहीं थे, 7-8 पीस ही थे। उसके बाद मैंने नमक हल्दी डालकर इसे अच्छे से फ्राई कर लिया दोनों तरफ से। फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। और यहाँ पर मैं डालूँगी आलू, क्योंकि चिकन थोड़े से थे तो इसलिए आलू डालना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने डाल दिया चिकन मसाला और लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आप लोग कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और मेरे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया आलू, इसको मैं थोड़ा और भून लूँगी। भूनने के बाद यहाँ पर जो मैंने प्याज निकाल के रखा था फ्राई करके, उसका पेस्ट डाल दूँगी। और मैंने 2-3 काजू भी डाल दिया था, जिससे कि इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ग्रेवी भी अच्छी बनेगी और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है। इसके बाद मैंने देखा कि ये कलर अच्छा नहीं आया, और जो हमारा लाल मिर्च है वो कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है, इसलिए मैंने फूड कलर डाल दिया। देखिए कलर कितना अच्छा है। और जब भी आप लोग चिकन मटन बनाएं, तो जब भी पानी डालें तो गर्म पानी ही डालें, इससे अच्छा बनता है एकदम। फिर मैंने इधर अलग तरफ से येलो पुलाव भी बना लिया। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है, आप देख लीजिएगा। ये पुलाव खाने में बहुत टेस्टी बनता है, और इसे मैंने कुकर में बनाया है। और इधर मेरा जो चिकन है, इसमें से भी तेल सेपरेट होने लग गया है। अब मुझे जितना ग्रेवी चाहिए उतना मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी। गर्म पानी डालने से जो चिकन होता है वो जो सॉफ्ट सॉफ्ट ही रहता है, वो हार्ड नहीं बनता। ऊपर से फिर मैंने डाल दिया धनिए के पत्ता, और ये जो मैंने गर्म मसाला डाला है, ये मेरा होममेड रेसिपी है गर्म मसाले का। ये भी मेरे चैनल में, अगर आप लोगों को चाहिए तो देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर अब मैं कर लूँगी प्लेटिंग। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय।